चलिए आज हम लोग यंग्स डबल स्लिट को एनालिटिकली देखेंगे। हमारे पास दो स्लिट्स है S1 और S2। तो S1 से हमारे पास जो वेव आ रहा है ये है Y1 A1 sin ओमेगा टी, राइट। और Y2 जो स्लिट S2 से आ रहा है वो है Y2 is equal to A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। नोट कीजिए कि ये दोनों चीजें में सिर्फ ओमेगा कांस्टेंट है, राइट, क्योंकि ये लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट है, लेकिन एम्पलीट्यूड पे कोई पाबंदी नहीं है, राइट। हो सकता है कि स्लिट्स में फर्क हो साइज में या जो भी, तो एम्पलीट्यूड में फर्क है। ये फाई जो है ये है आपका कांस्टेंट फेज डिफरेंस, राइट, जिसके वजह से आपको आता है कोहेरेंस, राइट। तो ये कोहेरेंस इधर बैठा हुआ है, यानी कि ये जो है ये कांस्टेंट चीज है, राइट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ये कांस्टेंट नहीं है, सपोजिंग ये वेरी होता है, तो अभी हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंस तो हो जाएगा लेकिन आपको स्टेडी पैटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फाई कॉन्स्टेंटली चेंज होते जाएगा विद फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच में, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, जैसे हम लोग इसके पहले भी किए थे। लेट अस डू, इसका रिजल्टेंट वेव क्या है, हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ Y1 प्लस Y2, राइट। अब ये दोनों चीजों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, वी कैन राइट A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। अब आप लोग सबको मालूम है एक्सपेंशन ऑफ साइन ए प्लस बी, और हम लोग करेंगे। जी बोलिए, कुछ पूछना है। तो ये है मेरा A1 sin ओमेगा टी, और इसको मैं एक्सपैंड करूंगी है साइन ए प्लस बी, विच इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। तो ये हो जाता है A2 sin ओमेगा टी cosine of phi प्लस A2 cos ओमेगा टी sin of phi। ये ठीक है ना सबके लिए, हम लोग ये कर चुके मैम। हाँ बोलो बोलो मैम, ये डेरिवेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, हमारे इसका आउटपुट क्या होगा डेरिवेशन का? सही 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 मैम, जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं अभी, हाँ, इसका मैम ये किस लिए कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्टेंट मिलेगा? इससे हम लोग इंटेंसिटी का एनालिटिकल फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि ये जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मैम, हाँ डबल स्लिट कर रहे हैं ना, लाइट कर रहे हैं हम लोग, बट ये अप्लाई होगा कोई भी दो वेव्स के लिए। यस मैम, और हम लोग इसको कर चुके हैं जब वेव्स किए थे। ओके मैम, लेकिन इसको दोहरा रहे, राइट। तो ये है मेरा दिस। तो अब अगर मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालूंगी तो मुझे मिलेगा A1 प्लस A2 cosine of phi, एंड ये वाला सेकंड जो टर्म है ये मैं लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ कॉस ओमेगा टी A2 sine of phi, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन डालेंगे, कहेंगे कि लेट R cos theta, let R cos theta be equal to A1 plus A2 cosine of phi, or R sine theta is equal to A2 sine of phi, okay? अब इसको हम लोग लिखेंगे तो मेरा y हो जाएगा R sine omega t cosine of phi plus R cos omega t sine of phi, which is nothing but R, बोलिए आप क्या हो जाएगा, ये है R sine omega t plus phi, ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको? रिपीट करूं क्या बिगनिंग से? यस मैम, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैम। वहां से cos omega कहां से आ गया, क्या चीज यहां पे cos omega, cos phi यहाँ पे सेकंड लाइन में, A2 sin omega t cos omega यहाँ पे, ये हमारा ये है ना? जी मैम, ये वाला हम लोग ने ये किया है, sin of A plus B is equal to sin A cos B plus, जी मैम समझ में आ गया, बस डायरेक्टली एक्सपेंशन लिया है मैंने,
इसको मैंने एक्सपेंड किया, दैट्स ऑल। ओके जी मैम, ओके ओके मैम, ठीक है। तो अब देख रहे हैं आप कि ये जो रिजल्टेंट वेव, ये है मेरा वाई, ये है मेरा रिजल्टेंट वेव। तो ये रिजल्टेंट वेव भी जो है ये भी आ जा रहा है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ है, जिसका एम्पलीट्यूड आर है, राइट। अब हम लोग को पता करना है ये वैल्यूज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये इंडिविजुअल इक्वेशंस, यानी कि ये इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, राइट। अगर ये दोनों को स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ इसका मुझे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। यहाँ से मुझे मिलेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ के एक्सपेंशन ए वन प्लस ए टू कॉस ऑफ फाइ जो है, वन मिनट है, इन लोग ने डेल्टा यूज किया, ओके ठीक है। तो ये है, राइट हैंड साइड में इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर के जैसे स्क्वायर करेंगे, तो ये मुझे आएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू टाइम्स ए वन ए टू कोसाइन ऑफ फाइव, राइट। और ये वाले को मुझे आएगा ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, राइट। अब ये दोनों टर्म्स को देखिए, ये है मेरा ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, करेक्ट। तो ये वाले दोनों को जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव अपना वन हो जाएगा, राइट। तो हमें मिलेगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा टू ए वन ए टू कोसाइन ऑफ फाइव, मैम वाई स्क्वायर भी तो आएगा, क्या चीज मैम, वाई स्क्वायर भी तो आएगा एक तरफ, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग की है ना, वाई स्क्वायर नहीं है, ये दोनों को हम लोग ने स्क्वायर किया, इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया है, राइट। ओके, तो ये है मेरा रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट क्या है, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो है वो है आर स्क्वायर, राइट। क्योंकि देखिए ये है मेरा ये है मेरा रिजल्टेंट वेव, तो ये है एम्पलीट्यूड, राइट। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू आई, राइट। इंटेंसिटी जो है ये है एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और ये इस केस में एम्पलीट्यूड स्क्वायर जो है ये है आर स्क्वायर, राइट। तो ये है मेरा आर स्क्वायर, समझ में आया, हेलो जी मैम, यस मैम, समझ में आ गया। तो ये है मेरा इंटेंसिटी वेरिएशन, राइट। और ये क्या है मेरा कोसाइन ऑफ फाई, ये है मेरा, ये जो ये फाई आपको क्या है, आपको कहता है पार्ट डिफरेंस क्या है, राइट। तो अगर आपका पार्ट डिफरेंस टू पाई है, सॉरी आपका फेस डिफरेंस टू पाई है, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, राइट। अगर आपका फेस डिफरेंस पाई है तो पार्ट डिफरेंस क्या है, तो आपका पार्ट डिफरेंस हो जाता है आपको ये, राइट, आपको हो जाता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ये जो आपका सॉरी एक मिनट हाँ, ये मैं फिर से इसको लिखती हूँ। अगर मेरा फेस डिफरेंस 2 पाई है तो मेरा लेंथ डिफरेंस ये है लैम्डा, राइट। अब हमारा लेंथ डिफरेंस क्या है, s2p माइनस s1p, तो अब हम पता करेंगे कि ये क्या है। तो हमारा जो फाई है ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू s2p माइनस s1p। ये समझ में आया डेरिवेशन सबको, हेलो मैम, ये 2 पाई माइनस लैम्डा मतलब ये समझ नहीं आ रहा है, 2 पाई माइनस लैम्डा क्या चीज है, ये अभी यहाँ पे थोड़ा ये जो क्या है, ये मैंने लिखा है, ये अगर हमारा फेज डिफरेंस 2 पाई का है तो हमारा वेवलेंथ डिफरेंस लैम्डा हो जाता है, राइट। एक वेवलेंथ में आप 2 पाई खत्म करते हैं ना, इसको मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, ठहरिए,
देखिए जब आपके पास ये वेव है राइट, ये वेव राइट, अगर आपके वेव में ये वेवलेंथ लैम्डा है राइट, यानी कि एक पूरा वेव हो गया ना 2π फेज, यानी कि फेज डिफरेंस 2π कॉरेस्पॉन्ड करता है टू वेवलेंथ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा, करेक्ट। ये आपका फेज डिफरेंस है और ये है आपका पाथ डिफरेंस। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो आपका फेज डिफरेंस 2π रहता है, सही ना। उसमें एक और वेव हो गया ना, अब हमें मालूम है कि यंग्स डबल स्लिट पे हमारा पाथ डिफरेंस क्या है। हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो है ये S2P माइनस S1P, याद है ना। S1 S2 क्या है, ये है मेरे दो स्लिट्स, एक स्लिट है S1, एक स्लिट है S2, ये है मेरा स्क्रीन, स्क्रीन पे पॉइंट P। तो अब क्या हो जाता है, सॉरी ये करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, ये तो मेरा पाथ डिफरेंस क्या है, S2P माइनस S1P राइट। तो अब मेरा फेज डिफरेंस क्या रहेगा, तो मेरा फेज डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P इंटू 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये है फॉर्मूला जो मैं बता रही हूँ, ये समझ में आया सबको, नहीं? हेलो, ये समझ में आया कि नहीं सबको? समझ आ गया मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए। बिगनिंग से करूं, कहां से करूं? यस मैम, बिगनिंग से। दरअसल मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए। ठीक है ठीक है, अभी अभी करेंगे, फिर से करेंगे। ये बहुत आसान है और हम लोग इसको कर भी चुके हैं, तो ये करने में कोई मुश्किल नहीं। देखिए यंग्स डबल स्लिट करें राइट हम लोग, इसमें दो स्लिट्स है, S1 है और S2 है, करेक्ट। S1 से क्या निकल रहा है, एक वेव जो है Y1 is equal to A sin omega t. S2 से वेव निकल रहा है Y2 is equal, sorry, ये A1 है, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड सेम रहना जरूरी नहीं है। ये है A sin omega t plus phi, right? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों में ये जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये सेम है, ओमेगा सेम है राइट, इंटरफेरेंस के लिए ओमेगा सेम रहता है राइट, राइट, इसके लिए ओमेगा सेम है। लेकिन A1 एम्पलीट्यूड, A2 और ये फाइ, ये सेम रहना जरूरी नहीं है राइट। तो जनरल केस में A1 A2 फाइ अलग अलग चीजें हैं राइट। अब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जो y है ये रिजल्टेंट है ऑफ y1 एज वेल एज y2, यानी कि a1 sin omega t plus a2 sin omega t plus phi। अब ये दोनों को कैसा जोड़ेंगे, ये आएगा a1 sin omega t plus a2, और ये हम लोग एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, जिस तरह से हम लोग एक्सपैंड करते हैं sin a plus b, विच इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, इसको इसमें डालेंगे। तो अब मुझे क्या आ जाएगा, वी गेट a2, बोलिए आप लोग sin omega t क्या टर्म आएगा अब यहाँ पे, cos phi, और नेक्स्ट टर्म क्या है, a2 वंस अगेन, वेरी गुड, cos omega t, वेरी गुड, और यहाँ पे sin phi, वेरी गुड, थैंक यू। अब हम लोग क्या करेंगे, sin omega t के टर्म्स, ये मेरे साइन ओमेगा के दो टर्म्स है और ये वाले मेरा एक टर्म है कॉस ओमेगा टी का राइट, इन लोग को जमा करेंगे तो मुझे आएगा कि मेरा साइन ओमेगा टी को कोफिशिएंट आ रहा है a1 प्लस a2 कोसाइन ऑफ फाइ, और यहाँ पे मेरे पास है कॉस ओमेगा टी a2 साइन ऑफ फाइ राइट। तो अब ये चीज को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये कोएफिशिएंट को हम लोग नाम देंगे r कोसाइन ऑफ थीटा, ये कोएफिशिएंट को हम लोग नाम देंगे r साइन थीटा राइट। सो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि लेट r साइन थीटा बिकम a1 प्लस a2 कोसाइन ऑफ फाई, और
let r cos theta become equal to a2 sin of phi, right? देखिए मैंने क्या किया है, ये जो coefficients है इसको किया है, right? तो ये जो वाला है ये है मेरा r sin theta और ये वाला है मेरा r cos theta, right? ठीक है ना? Yes ma'am, yes ma'am, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग substitute करेंगे तो हमें आता है y is therefore equal to r, अरे सॉरी मैंने गलती की, सॉरी ये मुझे उल्टा करना है, यहाँ साइन का है ना, तो इसको इंस्टेड मैं इसको कॉस करूंगी और इसको मैं इसको साइन करूंगी, ठीक है? तो अब मुझे आएगा क्या, ये है r कोसाइन थीटा साइन ओमेगा t प्लस r साइन थीटा कोसाइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है ना, दिख रहा ना सबको? जी मैम दिख रहा। अब मेरा आर क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, तो ये क्या एक्सपेंशन है, ये देखिए ये एक्सपेंशन को, ये कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी है, करेक्ट, दिख रहा ना आप लोग को? तो ये हो जाएगा मेरा आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, दिख रहा ना आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे ये है आर साइन ओमेगा टी cos theta plus r cos omega t sin theta, दिख रहा ना सबको? Yes sir, ठीक है। दिख रहा अच्छे से? और ये भी convinced हो गए? ये देख के ये समझ में आया कि ये किस तरह से ये है? क्योंकि मैंने इसको sin a plus b का expansion में लिया, same ये expansion यहाँ इस्तेमाल किया, ठीक है ना? ठीक है ma'am। ठीक है, very good। अब हमें पता करना है कि ये r, तो ये क्या हो गया, ये फिर से सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा है, राइट, क्योंकि ये फॉर्म है ऑफ a sin omega t plus phi, राइट, उसी फॉर्म पे है, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसा है, राइट। अब हम लोग इसके ये जो इंटेंसिटी, कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, intensity is proportional to a squared. A squared क्या है? Amplitude squared है. ये केस में हमारा amplitude क्या है? R. Right? तो इसमें proportional है to R squared. Right? तो हम लोग पता करना चाह रहे हैं R squared का value. Okay? कैसा करेंगे? ये equation को हम लोग square करेंगे. ये equation को हम लोग square करेंगे. और दोनों को जोड़ेंगे. Right? समझ में आया? हम पता करना चाह रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो है हमें क्या पैटर्न आता है उसके इंटेंसिटी में, राइट, इंटरफेरेंस के इंटेंसिटी में हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन या क्या पैटर्न आता है, राइट। अब ये कहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड में ये आर कॉस थीटा, इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो वी विल गेट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम लोग दोनों राइट हैंड साइड्स को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ये आएगा मेरा ए वन प्लस ए टू कोसाइन ऑफ फाइ स्क्वायर प्लस ए टू साइन ऑफ फाइ स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है ना? ये दोनों इक्वेशंस देखिए, इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है मैम, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू, मैंने क्या किया है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर को किया, राइट, यस मैम, तो यहाँ पे मुझे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो वी विल गेट आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू ए वन ए टू कॉस प्लस ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको ए प्लस बी स्क्वायर के जैसे एक्सपैंड किया, आई होप आपको याद है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो अब यहाँ देखिए, देखने का क्या है, यहाँ पे आपके पास ए टू कॉस स्क्वायर फाइव और ए टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और ए टू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें cos squared 5 plus sin squared 5 ब्रैकेट में आ जाएगा, which is equal to 1, correct? ठीक है? तो we will get a1 squared plus a2 squared into
ये वाला टर्म बचेगा प्लस 2a1 a2 कोसाइन ऑफ फाई. ठीक है, ये समझ में आ गया? यस मैम. ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैम मैम ठीक है, सब ठीक है. वेरी गुड. तो r स्क्वायर इज देयरफॉर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन ऑफ फाई. ठीक है, अब ये मैं सबको जरा मेट देती हूँ क्योंकि मुझे यही कंटिन्यू करना है. ये रेजर और बड़ा नहीं होगा. ठीक है, कोई ये समझ में आया ना आप लोग? हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? अभी आप दो मिनट में आप देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि ये इंटरफेरेंस के जो फ्रिंजेस, तदाखल का नमूना जो मैंने आपको कल भी बताया, ये आता क्यों है, मैथमेटिकली किस तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे. हम लोग दो दिन उसको कोशिश कर रहे थे फिजिकली एक्सप्लेन करना, राइट, कि देखिए ऐसा होता है और एक्सपेरिमेंट से ऐसा करना है. जो मैंने आपको बताया वो एक्सपेरिमेंट के केस में क्या होता है, राइट. बट आज हम लोग देखेंगे कि ये मैथमेटिकली किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट. तो फर्स्ट ये है मेरा आर स्क्वायर. अब हम लोग लेंगे केस फॉर मैक्सिमा. सपोजिंग हमको मैक्सिमा चाहिए ये आर स्क्वायर के लिए, राइट. मैक्सिमम ब्राइटनेस आर स्क्वायर से कैसे आएगा? ये तो दोनों चीजें पॉजिटिव क्वांटिटीज है, राइट. इसको हम लोग नहीं कर सकते. मैक्सिमा आएगा तो हमें मालूम है कि कोसाइन, कोसाइन कहाँ से वेरी होता है? ये जाता है -1 to +1 तक, राइट. कोई भी कॉस फंक्शन का रेंज है -1 to +1. ठीक है ना, सबको मालूम? ये कोसाइन रेंज हो सकता है -1 to +1. तो अगर मेरे कोसाइन का मैक्सिमा चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा कि cos phi is equal to 1, राइट, क्योंकि मुझे r स्क्वायर का मैक्सिमा चाहिए, राइट. हम लोग मैक्सिमा देखने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि cos phi is equal to +1. इसलिए हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. ये अगर 1 है तो दिस बिकम्स 2a1 a2 व्हिच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, राइट. तो ये हो जाता है मेरा मैक्सिमा. ये कब आता है? हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके, अभी आपको फिर बताती हूँ कि अगर मेरा पाथ, अगर मेरा फेज डिफरेंस 2π है तो मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा है, राइट. लेकिन अगर मेरा पाथ डिफरेंस ये है s2p minus s1p, तो मैं पूछूंगी मेरा फेज डिफरेंस क्या है. तो मेरा फेज डिफरेंस क्या हो जाता है? ये जो आ रहा है मेरा फाई, ये फाई है कि थीटा है? फाई, मैम फाई थीटा कहीं नहीं पड़ी. तो मेरा फाई जो है ये हो जाएगा आपका s2p minus s1p into 2π/λ. ये अब समझ में आया सबको? ये मैं कह रही हूँ कि मेरे मेरा फेस 2π है तो मेरा है, एक मिनट, राइट. ठीक है, तो ये दिख रहा है सबको? यस मैम दिख रहा है. तो अगर हमारा फेस डिफरेंस 2π है तो हमारा लेंथ डिफरेंस लैम्डा होता है. तो अगर मेरा लेंथ डिफरेंस s2p minus s1p है तो हमारा फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा? s2p minus s1p, ये एक चीज है, into 2π/λ. ठीक है, हाँ बोलिए. हाँ 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 जी मैम. हाँ वेरी गुड. और मुझे दूसरों की भी आवाजें सुनाई देनी चाहिए. बिलाल साहब आप कभी कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरों की भी आवाज सुनाई देनी चाहिए. यस मैम. हाँ आप क्लास में हैं, राइट. यस मैम.
सुबह हो गई, अब उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, राइट। मैम एमडी इसराफिल की कभी आवाज सुनाई नहीं देती है। क्या कर रही है? एमडी इसराफिल की आवाज। हां हां मैम सुना है। क्या करें आप सुबह सुबह? मैम एमडी इसराफिल की आवाज कभी सुनाई नहीं देती है क्लास में। सैफुल्ला कह रहा है इसराफिल की आवाज सुनाई नहीं देती है, सैफ को कह रहा है। लॉगिन करके चले जाते शायद, नहीं जी मैम। और फिर आपकी क्लास में कुछ लोग हैं जो फिर 10 बजे ही लॉगिन करते हैं, 9:45 को या 10 to 10 को आ जाते हैं, जैसे सैफुल्ला ये लोग दिखाई देने लगते हैं। भाई मैं 9 बजे लॉगिन करता हूँ मैम। और आप लोग समझते हैं कि आपके जो टीचर्स है पूरे उल्लू है, हम लोग को कुछ दिखता नहीं है, हम लोग को सब दिखता है, सब सुनाई देता है, बोलते कम है लेकिन दिखता है। अभी देखिए 13 लोग है, राइट। अब हम लोग 15 मिनट में देखेंगे कि ये 13 से कितने हो जाएंगे और ये नए लोग कौन आ जाएंगे। आप लोग समझते हैं कि हम लोग नोटिस नहीं करते, हम लोग भी नोटिस करते हैं, हमें मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ऑनलाइन क्लास के चक्कर में कोई भी बोलने लगता है, नहीं मेरा नेट नहीं चल रहा, मेरा पावर नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ की बोलने लगते। कुछ उसमें से लोग हो सकते हैं जो सच बोल रहे हैं, राइट, कुछ उसमें ऑब्वियसली है जो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब ये झूठ बोलने वाले के वजह से हम लोग फिर सच वालों को भी वो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। वही तो किस्सा है, राइट। ओके, तो ये आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आया, राइट, कि ये पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस से क्या है। तो मैक्सिमा हमारा ये है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि मैक्सिमा हमें क्या कब आता है, जब हमारा S2P minus S1P is equal to n lambda, right? वो पॉइंट पे हमें ब्राइट पॉइंट आता है, right? तो इसका मतलब क्या है कि when my phase is equal to ये S2P minus S1P के जगह में मैं लिखूंगी n lambda into 2 pi divided by lambda which is equal to n times 2 pi. यानी कि जब फेस इज इक्वल टू एन टाइम्स टू पाई जब हमें आएगा हमारा मैक्सिमा, राइट। ओके, नेक्स्ट केस हम लोग देखेंगे हमारा केस फॉर मिनिमा। ये केस फॉर मैक्सिमा समझ में आया? यस सर, यस सर, वेरी गुड। ये वाला हम लोग देखेंगे केस फॉर मिनिमा। केस फॉर मिनिमा कब आएगा? कोसाइन का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1। हाँ, देखिए मुश्फिक साहब कहते हैं, राइट, और फिर मुझे पूछते हैं मैम में था मेरा अटेंडेंस प्लीज दे दीजिए, राइट। ये नए साहब है मुश्फिक साहब, आप हमेशा लेट आ रहे हैं, देखो लॉग इन करके चले भी गए। नहीं मैम सॉरी, आप लेट आते हैं भैया। आपका अटेंडेंस आपको 9:45 से शुरू होता है ना? नहीं मैम, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आता है इसलिए ट्राई कर देता हूं। क्या आता है? तो प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए। हां, वो प्रॉब्लम सिर्फ 9:45 को नहीं रहता है, राइट? ऐसा ना आलम जी, देखिए आप लोग, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपना पढ़ा दूंगी, राइट। एग्जाम्स आप लोगों को पास करने हैं, राइट, और अब ये हालात में जब आप किसी से ना मिल रहे हैं, आप नोट्स एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, आप बात भी नहीं कर सकते हैं, तो मैम इस बार एग्जाम ऑफलाइन होगा क्या? राइट, इस बार एग्जाम ऑफलाइन होंगे ना? पता नहीं, किसी को नहीं मालूम। कमेंट होगा यार अभी इंटरनल वाला, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल यूरोप में कई कंट्रीज में सेकेंड लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया है, राइट। यूके यानी इंग्लैंड एंड ऑल में सेकेंड लॉकडाउन है, फ्रांस में सेकेंड लॉकडाउन है, क्योंकि ये सेकेंड वेव भी आ गया है, राइट। तो यहाँ इंडिया में तो इलेक्शन चल रहा है और बीजेपी की बड़ी बड़ी रैलियां, इंडिया में नंबर्स ही अपने को मालूम नहीं है। कम थे तो बहुत ज्यादा हल्ला किए थे, अब ज्यादा है। मैम बिहार में कोरोना बहुत दूर चला गया है, यहाँ पे कहीं दिखता ही नहीं है कोरोना, बहुत दूर चला गया है।
कहाँ दूर चला गया? वो इलेक्शन की वजह से बिहार में नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है मैं। हाँ मजीद काउंटिंग हो जाएगी ना, फिर देखना तब क्या होता है। मैम एक काम तो कर सकते हैं ना, वो बिहार में जो दरभंगा में मानो की लाइट वाली वो है, वहाँ जाके हम लोग क्लासेस कर सकते हैं। इसके लिए ये ना आप लोगों को भैया मुझे बोलने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये डिसीजन मैं नहीं लेती। अरे मजा छोड़ दो, मैं तो अब रहो यार, यहीं से डिग्री मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है घर ही बैठ के। मुझे बोल देते हैं ये करने का है, मैं पूछ नहीं सकती, आप लोग बोलिए, मेरे हाथ में नहीं है जी। राइट ठीक है, तो ये जल्दी से करेंगे अब हम लोग। मिनिमा कब आएगा इसपे? इसमें -1 नहीं, माइनस मैम कॉस कमांड। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो मिनिमा आएगा अगर मेरा कॉस ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू -1, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बताया राइट कि ये कोसाइन का जो फंक्शन है ये रेंज होता है फ्रॉम -1 to +1। राइट, तो ये है मेरा रेंज, तो मैं कॉस डेल्टा को -1 लिखूंगी, तो ये आएगा मुझे r² = a² + a² - 2a1a2 2182। करेक्ट, क्योंकि कोसाइन के लिए मैंने डेल्टा नहीं लिख दिया, लिखूंगी मैं सॉरी, ये हम लोग फाइ लिखे हैं। राइट, ये फाइ है, तो ये इज -1, सो देयरफॉर r² = a1 - a2 squared। राइट, तो ये मेरा क्या है, जैसे मैंने लिखा कोसाइन ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू -1, राइट? फाइन मैम, आपको कॉस डेल्टा -1 कब आता है ये हम लोग देखे हैं कि इसमें हमारा s2p - s1p, सॉरी अरे मैं फिर से डेल्टा लिख रही हूँ क्योंकि ये बुक में डेल्टा है। करेक्ट, अरे वाह, ये कौन बोल रहा था? मैम ऊपर भी डेल्टा लिखी है, ऊपर फाइव हो गया भाई, इसका मतलब है नहीं ऊपर कॉस नहीं, मैम हम लोग समझ जा रहे हैं, वो समझने में आसानी होती है। जगह में देखिए हम लोग ने यहाँ लिखा n लैम्डा, अब मैं क्या लिखूंगी इसके जगह में? n+1/2 लैम्डा मैम। या वेरी गुड, तो ये हो जाएगा n+1/2 लैम्डा, ये फिर से 2π/λ व्हिच इज इक्वल टू n+1/2 into 2π, right? ये है मेरा condition for minima, ये मेरा minima का condition है, right? Okay, हाँ? अब हम लोग special case लेंगे कि supposing a1 is equal to a2, okay? Let us take a1 is equal to a2. तो अब आपको क्या दिखता है? अगर a1 is equal to a2, right? तो हमारा imax क्या हो जाता है? imax ये था, right? a1 plus a2 squared. दोनों same है, तो a1 plus a1 squared, which is equal to 2a1 squared, right? Which is 4a1 squared. imin कितना होगा? imin ये है, a1 minus a2 squared. So that is 0 squared, which is equal to 0. ये है मेरा imin. राइट, तो ये मेरा आई मैक्स है, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है तो आई मैक्स इज इक्वल टू दिस और आई मिन इज इक्वल टू दिस, राइट? एंड देयरफॉर इसको अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, राइट, मैम करेंगे, ये सपोजिंग मेरा क्या है, ये मेरा फाइ है, राइट? तो फाइ को मैं कर सकती हूँ, ये है मेरा 0, ये है मेरा पाई, 2π, 3π, 4π, यहाँ पे है -π, -2π, -3π। हम लोग ने क्या देखा है कि हमारे पास मैक्सिमा कब आ रहा है, जब हम लोग n टाइम्स 2π है, यानी कि ये पॉइंट ये भी आएगा क्योंकि n कैन बी 0, तो ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है, ये पॉइंट मैक्सिमा है, सिमिलरली ये पॉइंट मैक्सिमा है, आगे का ये पॉइंट मैक्सिमा है। मैम कब आ रहा है आपको? जब आपको n प्लस हाफ है, तो फर्स्ट वाला केस है जब n इज इक्वल टू 0, सो ये आ जाएगा आपको पाई, राइट? क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2π व्हिच इज इक्वल टू पाई,
तो आपका जो मिनिमा है ये आपका यहाँ आया, क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है? यस मैम। तो ये है मेरे मिनिमा, आई मिनिमा की वैल्यू जीरो, लाल वाले पॉइंट्स मेरे मिनिमा है और ये हरे वाले पॉइंट्स मेरे मैक्सिमा है, राइट? और इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमें रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ऐसा। मैम हाँ बोलिए, कौन पूछा था, बोलो बोलो मैम, ये आई मिनिमम जीरो क्यों है ये? क्योंकि ये आई मिनिमम क्या था, ए वन माइनस ए टू स्क्वायर। अब हम लोग ने ये स्पेशल केस लिया जिसमें ए वन इज इक्वल टू ए टू, तो अगर ए वन इज इक्वल टू ए टू तो ए वन माइनस ए टू स्क्वायर जीरो हो जाता है। हम लोग ने स्पेशल केस लिया, ये वाले जनरल ए वन ए टू के लिए है, ये स्पेशल केस है कि अगर ए वन इज इक्वल टू ए टू, ठीक है? क्योंकि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे डबल स्लिट पे दो sizes the amplitude same hai, theek hai? Yes ma'am, yes. Ha to hum log ne ye case liya hai ye, lekin in general aapko yaad rakhna hai ki ho sakta hai ki a1 aur a2 same na ho. Agar wo same na hai to aapka minimum jo hai wo zero brightness nahi hoga, wo kuch kam hoga lekin zero nahi hoga, kyunki aapka a1 minus a2 zero nahi hai, right? लेकिन ये केस में हम लोग ने चूंकि लिया है कि a1 is equal to a2, इसीलिए a1 minus a2 जो है हमारा जीरो है, ठीक है ना? समझ में आया सबको? हाँ? Yes, हाँ? मैं कल से स्टार्ट करना है, मैं सभी क्लासेस को अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको रिपीट करना है तो आपको यूट्यूब साइट आपको मालूम है ना? लेकिन पूरे बने नहीं है, लेकिन ये फिलहाल में लगा सादे वाला बेहतर रहता है मैम, वो यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट पढ़ना। सॉरी, वो जो सादे वाली जो क्लास होती है ना यूट्यूब पे, वो क्या है सादे वाले ग्राफ यूट्यूब पे? अच्छे से समझ में। मैम ये जो क्लास चल रही है ना, इसी को यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो अच्छा रहे। नहीं नहीं, एक मिनट, आपको एक मिनट बताती हूँ मैं। देखिए अभी ये इस पे ये कहाँ गया, ये देखिए, ये आपको देखिए, ये जो है ना आपको ये बता रही, एक मिनट, सॉरी, ये आप लोग का एक तो आपको मालूम है ना, आपके लिए वेबसाइट जो है वो आपको मालूम है, ठीक से? हाँ, यस मैम। तो एक तो ये वेबसाइट मैंने आपको बताया है, आप इसमें जाएंगे, ये लॉकडाउन पीरियड में ये सब बना है, ये है आपका तबियत का सफर, राइट? इसमें आप जाएंगे तो ये थर्मल फिजिक्स का है, ये वेव्स एंड ऑप्टिक्स का है, लिंक टू वेबसाइट, इसको क्लिक कीजिए, या लिंक भी मैंने आपको भेजा है, राइट? और यहाँ पे आपके पास आपके नोट्स और ये सब है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप लिंक टू वीडियो लेक्चर्स को क्लिक करेंगे, राइट? Yes, ma'am. एक तो ये है, इसके अलावा यही वेबसाइट पे आप देखिए, ये है वेव्स एंड ऑप्टिक्स का, राइट? और यहाँ पे देखिए आपके अरे अरे राइट, तो ये वाले में देखिए आपके पूरे नहीं लगाई हूँ मैं, ये कल का है, ये नवंबर, सेकंड नवंबर का है, कल का, राइट? तो लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे, ये देखिए आपके यहाँ पे मैं रोज रोज का क्लास डाल दूंगी, ओके? ये कल डाली थी मैं, पार्ट डिफरेंस, ये कल का है, राइट?
यस मैम यस मैम मैं बोल रही हूँ आपको रिपीट करना है तो इस पे जाके देखिए ओके ये सबके लिंक्स भी आपको मैं दे चुकी हूँ तो आप लोग इस पे देख सकते हैं राइट उसकी मैं बात कर रही हूँ ठीक है तो अब वापस हम लोग इस पे हमारा करेंगे तो हम लोग क्या बात कर रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा का हम लोग ने स्पेशल केस लिया ए वन इज इक्वल टू ए टू का राइट तो अब आपको ए मैक्स आया 4 टाइम्स ए वन स्क्वायर और ए मिन आया आपको 0 क्योंकि हम लोग ने ए वन इज इक्वल टू ए टू लिया तो फिर ये आ रहा है हमारा तदाखिल का नमूना या इंटरफेरेंस पैटर्न ये देखिए ये ब्लू में जो आया है ये है आपका मैम ये लाइट के लिए है ना ये लाइट के लिए यस बट इन जनरल ये सभी किस्म के वेव्स के लिए भी काम करेगा इंटरफेरेंस जो है ये फिनोमेना सभी किस्म के वेव्स के लिए है डायफ्रैक्शन भी इसके बाद हम लोग करेंगे पोलराइजेशन पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स के लिए होता है तो वो साउंड वेव्स में आपको पोलराइजेशन नहीं आएगा ओके ये सिर्फ लाइट वेव्स को होता है लेकिन इंटरफेरेंस आपको कोई भी वेव के साथ आएगा ठीक है तो ये देखिए ये है इंटेंसिटी का पैटर्न और आई होप आप इसको देख के आप याद है मैंने आपको बताए थे राइट ये आपके पैचेस जो आपको पैचेस आ रहे हैं ब्राइट डार्क वो यही है ये है ब्राइट ये है डार्क ये है ब्राइट ये है डार्क राइट ये है ब्राइट डार्क राइट तो इस यही है इंटरफेरेंस पैटर्न तो आज हम लोग ने क्या किया मैथमेटिकली डिराइव किया कि इंटरफेरेंस पैटर्न में जो इंटेंसिटी वेरिएशन है यानी कि इंटेंसिटी में जो फर्क आता है इन इंटरफेरेंस वो मैथमेटिकली किस तरह से डिराइव करते हैं इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि फिजिकली कैसा उसको एक्सप्लेन करना है राइट यानी कि इन टर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस लेकिन यहाँ आज हम लोग देख रहे थे कि मैथमेटिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों भी क्यों आ रहे हैं राइट ये समझ में आया आप लोगों को नहीं यस मैम यस मैम समझ में आ गया बहुत अच्छे से कौन है आज हां जी कौन कौन आया तो ये सब एक मिनट ये मेरा लिख क्यों नहीं रहा अरे सॉरी लुक एट दिस आई एम राइटिंग विद दिस मैं गलत पेन के साथ लिख रही हूं और बोल रही हूं कि क्यों नहीं लिख रहा कहां गया वो मैम एक बार और रिपीट कीजिए कौन सा वाला हिस्सा रिपीट करूं भैया स्टार्टिंग से मैम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट से अच्छा अभी करते नहीं नहीं यहां है इट्स हियर आई वाज यूजिंग इट मिल गया सॉरी ये है मेरा पेन स्टार्टिंग से करेंगे अब बारे ठीक है फटाफट करती हूं मैं हम लोग आज डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो इंटरफेरेंस का पैटर्न राइट ये क्यों आता है लेकिन हम लोग इसको डिराइव कर रहे थे मैथमेटिकली राइट मैथमेटिकली डिराइव कर रहे थे कि इंटरफेरेंस का पैटर्न क्यों आ रहा है अब इंटरफेरेंस का पैटर्न क्यों आ रहा है क्योंकि हमारे पास एल्जेब्रिक सम है दो वेव्स का एक है ए वन साइन ओमेगा टी और दूसरा वाला है ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये हमारे दो वेव्स हैं राइट अब हम लोग ने इसको एक्सपैंड किया इसका जोड़ निकाला और हमें मिला कि ये वाई इज देयरफॉर इक्वल टू आर टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस सम थीटा ये है मेरा आर ये है मेरा रिजल्टेंट वेव जो मेरे y1 और y2 के जोड़ से हमें मिला है राइट अब हम लोग निकाल रहे थे इसकी क्या इंटेंसिटी है इसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर से इसमें एम्पलीट्यूड क्या है r है सो इसका प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर से अब हमें मिला कि r स्क्वायर के लिए हमको क्या मिला था वैल्यू ये है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cosine of theta, right? याद है ना? ये हमें मिला था expression for r squared, right? अब हम लोग देख रहे थे conditions for maxima. Maxima कब आएगा?
जब हमारा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन. सिमिलरली मिनिमा कब आएगा, जब हमारा कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस वन. याद कीजिए मैं आपको बताई थी कि कोसाइन का जो रेंज है वो प्लस वन माइनस वन का है, राइट? तो मैक्सिमा आपको प्लस वन पे आ रहा है, मिनिमा आपको माइनस वन पे आ रहा है. और हम लोग ने देखा कि ये कब आता है, व्हेन इज कॉस इक्वल टू प्लस वन, ये जब थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स पाई, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल एन जब जीरो है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, फिर एन इज इक्वल टू, ये एन वैल्यूज जब चेंज होते रहेगा तो ये कोसाइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू प्लस वन. सिमिलरली मिनिमा जब आएगा वो है जब मेरा थीटा इज एन प्लस हाफ इंटू पाई. तो अब मैंने प्लॉट किया यहाँ पे एक प्लॉट जिसमें एक्स एक्सिस में हमारे पास थीटा है, राइट? तो ये है मेरा पाई, ये है मेरा टू पाई, ये है मेरा थ्री पाई, फोर पाई एक्सेट्रा. और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज, माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई, माइनस फोर पाई, राइट? तो हमें दिख रहा है ये, इसमें देखिए मेरा मैक्सिमा इज फॉर एन पाई. सो एन इज मैम एन एन लैम्डा है ना वो, ये है मेरा मैक्सिमा. सॉरी थीटा, थीटा इक्वल टू एन लैम्डा है ना मैक्सिमा के लिए. जरा जोर से बात कीजिए ना मैम. एन लैम्डा होगा ना मैक्सिमम के लिए. नहीं वो एन लैम्डा वो इन टर्म्स ऑफ पाथ लेंथ, पाथ लेंथ के हिसाब से मैक्सिमा जब आएगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा में जब होएगा, जब थीटा इज इक्वल टू एन टाइम्स पाई. ओके मैम. ओके एंड टू ऑफ पाई होगा, टू टाइम, टू भी आना चाहिए. यस मैम. सॉरी ये मैं टू भी डाल रहे हूं. थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये अरे सॉरी एक मिनट है. थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स पाई, राइट? ये आपको ये थीटा है. इन टर्म्स ऑफ आप क्या बात कर रहे थे, इन टर्म्स ऑफ ये आपको एंगल है. और इन टर्म्स ऑफ एस टू पी माइनस एस वन पी, ये होना है आपको एन लैम्डा. ये है आपका पाथ डिफरेंस, ये है आपका फेज डिफरेंस, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको मैक्सिमा टू टाइम्स इनटू एन पाई पे आ रहा है. तो ये आपको मैक्सिमा मैं लाल लाल से बता रही हूँ. ये है दिस थिंग, ये है टू पाई, ये है फोर पाई, ये है माइनस टू पाई, ये है माइनस फोर पाई, ठीक है? और मिनिमा आपको आ रहा है उसके बीच में, यानी कि यहाँ पे भी मुझे एक टू लिखना पड़ेगा, राइट? तो ये आपको कब कब आ रहा है, आपको आ रहा है एट पाई, एट थ्री पाई, एट फाइव पाई एक्सेट्रा. और ये वाले आपको आ रहा है एट जीरो, टू पाई, फोर पाई एक्सेट्रा, राइट? तो ये मेरे ग्रीन वाले हिस्से जो है ये मेरे मिनिमा है यहाँ पे. ओके अब इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे, राइट, तो हमें ये वाला आएगा ऐसा. तो इसमें आपको क्या है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में सभी मैक्सिमा जो है का सेम ब्राइटनेस रहता है और सभी मिनिमा, कौन सा कलर करूं, सभी मिनिमा का सेम ब्राइटनेस होता है. और ये ही एक सिग्नेचर, यानी कि ये एक प्रूफ है कि आपको इंटरफेरेंस होता है जब आपके सभी मैक्सिमा सेम ब्राइटनेस के रहते हैं और सभी मिनिमा सेम ब्राइटनेस के रहते हैं. अब कल के जो आप देखे यंग्स डबल स्लिट में, आपने देखा सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइटर था और साइड्स में वो कम था. वो एक और चीज हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें डाइफ्रैक्शन भी हो रहा है. डाइफ्रैक्शन हम लोग बाद में करेंगे जब आप समझेंगे, लेकिन फिलहाल याद कीजिए कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमा और मिनिमा सब इक्वल ब्राइटनेस पे है. अरे अपना टाइम हो गया, फटाफट खत्म करेंगे, कल 10 बजे मिलके और बोलेंगे बाबा. चलो लेट राइट. हेलो सुनाई दे रहा क्या?
जी मैम सुनाई दे रहा है। हाँ वेरी गुड। अब ये चलिए फटाफट मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ और कल इस पे कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो वो कल क्लियर करेंगे, ठीक है? ओके मैम। लेकिन ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए। ओके मैम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मैम। वेरी गुड। चलिए सफीउल्लाह खान है? जी मैम। वेरी गुड। काफिल अहमद? काफिल नहीं है मैम, नहीं है। Yes ma'am. अफ्ताद नहीं है। अफ्ताद का है? अफ्ताद नहीं है मैम। अफ्ताद नहीं है। शाफिल है। शाफिल है मैम। मैम। रेडियो बज रहा है कहाँ पे? रेडियो तुम ही तो बजा रहे हो। अबे नहीं यार मैं अकेले छत पे हूँ यार। तुम्हारा ही बज रहा है माजिद शायद। अरे यार म्यूट करो सब लोग अपने आप को यार। मैम क्या बज रहा है रेडियो? मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम एमडी इसराफिल है? नहीं इसराफिल नहीं है। कौन है? असलम राही? नहीं है मैम। राशिद रजा? नहीं है। नहीं उसका पोल गिर गया, नेट नहीं चल रहा उसका। थ्री मैम, थ्री मैम। मोहम्मद तारिक अली? नहीं है मैम। मोहम्मद तारिक? नो भाई जब जब आप लोग तारिक नहीं है। ओके चलिए कल मिलेंगे। कितने बजे? ओके मैम दस बजे। दस बजे वेरी गुड। हाँ कल 10 बजे मिलेंगे। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। बस है